जौनपुर साहू कल्याण समिति जौनपुर द्वारा आयोजित 27वां प्रतिभा सम्मान समारोह नगर के साहू धर्मशाला सभागार में रविवार को देर शाम संपन्न हुआ, जिसमें साहू समाज के प्रतिभाशाली हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के शिक्षार्थियों के साथ साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना सार्थक योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त, मुख्य अतिथि आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी आजमगढ़ डॉक्टर ऋषिकेश, पूर्व विभागाध्यक्ष HRD जीतलाल गुप्ता, भूमि संरक्षण अधिकारी मिर्जापुर डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता, राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या, पूर्व CDO राधेश्याम गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष सतीश चंद गुप्ता एवं संस्था के पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आजाद भगत सिंह ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के विकास के साथ साथ सामाजिक विकास के लिए भी मुख्य सूत्र का कार्य करती है। मुख्य वक्ता डॉक्टर ऋषिकेश ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चे एक मानवीय पूंजी हैं, जिनके विकास के लिए अभिभावकों को भी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रयास करना चाहिए। प्रतिभा सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि जीतलाल गुप्ता और डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता, डॉक्टर चंद्रसेन गुप्ता आदि ने अपने उद्बोधन से भविष्य के कर्णधार बच्चों को मार्गदर्शन संदेश दिया। समारोह में इंटरमीडिएट के जनपद टॉपर सिद्धि साहू, हाई स्कूल के जनपद टॉपर आदित्य कुमार गुप्ता सहित सैकड़ों बच्चों को सम्मानित किया गया। इस दौरान शुभम गुप्ता के शुभ मंगलम डांस क्लास के बच्चों नित्या साहू ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। इस समारोह में 10 नए सदस्यों ने साहू कल्याण समिति की सदस्यता भी ग्रहण की। समारोह का संचालन अरविंद बैंकर एवं संस्था अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया तथा स्वागत अध्यक्ष प्रशांत कुमार गुप्ता एडवोकेट ने उपस्थित सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महामंत्री संजय गुप्ता, एडवोकेट कोषाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष जगदीश साहू, सखी वेलफेयर के अध्यक्ष प्रीति गुप्ता, राजेश गुप्ता, विजय गुप्ता, अध्यापक घनश्याम साहू, प्रदीप कुमार गुप्ता, दीपक गुप्ता, योगेश साहू, सिद्धार्थ साहू, लालजी गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, महेंद्र गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, धीरज गुप्ता, डॉक्टर अतुल श्याम, आशीष गुप्ता, आशु संजय सेठ आदि मौजूद रहे।